हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम लोगों के साथ घटी डरावनी घटनाओं को कहानी के रूप में लाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी राजस्थान की रहने वाली कोमल जी की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे गांव का नाम चंदेरिया है और मैं यहाँ से कुछ दूर चित्तौड़गढ़ जाकर पढ़ाई करती हूँ। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरी दादी मुझे लेने आई और रास्ते में आते टाइम मैंने एक बहुत बड़ा और पुराना इमली का पेड़ देखा जिसके नीचे एक कुआं भी था। इमली के पेड़ को देखकर मैंने दादी से कहा, दादी चलो इमली तोड़कर लाते हैं। मेरी दादी ने पेड़ की तरफ देखा और मुझे कहने लगी, नहीं चुपचाप बेटा घर चलो। मैंने थोड़ी ज़िद की तो पहली बार मेरी दादी ने मुझे गुस्से में डांट कर कहा कि तुम बात क्यों नहीं सुनती, चुपचाप घर चलो। हम घर आए और दादी ने बिना कुछ कहे पूजा पाठ करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि दादी ने मुझे डांटा था और वो मुझसे नाराज़ हुई थी, इसलिए मैंने अपनी दादी से सॉरी बोला और कहा, दादी मैंने ऐसा क्या गलत कहा जो आप इतनी नाराज़ हो गई। दादी ने कहा, मैं बेटा तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन शायद तुम्हें अपनी बुआ सरोज के बारे में नहीं पता है, इसलिए तुमने इस तरह की बात की। तुम्हारी बुआ 9th class में पढ़ती थी। वो गांव के ही एक स्कूल में जाया करती थी जो कि हमारे घर से कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो रोज़ सुबह अपनी 2 सहेलियों के साथ स्कूल जाती थी। उनके रास्ते में भी वही इमली का पेड़ पड़ता था जिसके बारे में तुम आज बात कर रही थी। वो भी रोज़ उस इमली के पेड़ से इमलियाँ तोड़ने का प्लान बनाती थी, लेकिन घर में काम होने के चक्कर में से उन्हें जल्दी घर आना पड़ता था और उनका प्लान कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन की बात है जब तुम्हारी बुआ की दोनों सहेलियाँ स्कूल नहीं आई और वो अकेली स्कूल गई और वहाँ से आते टाइम उसने वह इमली का पेड़ देखा और कहा, आज तो मैं इमलियाँ तोड़ के रहूँगी। ये कहते हुए वो पेड़ के पास चली गई। पेड़ के पास जाकर उन्होंने पेड़ के नीचे का कुआं देखा और कुएं को देखकर उन्हें पता नहीं कौन सी शैतानी सूझी। उन्होंने एक पत्थर उठाया और कुएं पर दे मारा। कुआं शायद बहुत पुराना था जिसकी वजह से उसमें बहुत कम ही पानी था। बहुत देर बाद एक छपक की आवाज़ आई जिसके बाद बुआ ने उसमें अपना नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुआं खाली होने की वजह से उन्हीं का नाम गूंज कर उनको सुनाई दे रहा था, जिसमें बुआ को बहुत मज़ा आने लगा था। बुआ ने थोड़ी देर वही सब खेल खेला और उसके बाद इमली के पेड़ पर चढ़ गई और इमलियाँ तोड़ने लगी। कुछ देर इमलियाँ तोड़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई उनका नाम ले रहा है, सरोज सरोज। ये सुनकर उन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने क्यों लगा कि शायद कुछ देर पहले जो वो खेल खेल रही थी ये सब उसकी वजह से है। वो फिर अपनी इमलियाँ तोड़ने में बिज़ी हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा अजीब सा लगने लगा और उनकी नज़र जैसे ही कुएं की तरफ पड़ी तो वो कुआं अब उन्हें थोड़ा डरावना लग रहा था। वो पेड़ से उतरी, उन्होंने इमलियाँ उठाई और एक इमली कुएं में फेंक कर बोली, ले तू भी खा ले, और घर वापस आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात को मेरी बुआ दादी के पास आकर बोली, माँ मैं आपके पास सो जाऊँ। दादी बोली, हाँ। रोज़ बुआ मेरी दादी के साथ सोने लगी, पर वो फिर भी कभी सो नहीं पाती थी। उन्हें नींद ही नहीं आती थी, या कहो वो सो ही नहीं पा रही थी। और इसी के साथ साथ उनका खाना पीना भी कम होने लगा, जैसे कि उन्हें भूख ही ना लगती हो या उन्हें कोई खाना खाने नहीं दे रहा हो। दादी ने बताया जिसकी वजह से मेरी बुआ कमज़ोर और बीमार रहने लगी और स्कूल भी नहीं जा पाती थी। वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर पा रही थी, हालांकि मेरी बुआ पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो एक दिन दादी ने पूछा कि क्या हुआ है बेटा, तुम आजकल इतनी कमज़ोर रहने लगी हो। तो
दादी के पूछने पर बुआ बोली कि आजकल मैं जब भी सोने जाती हूँ तो मुझे अजीब से सपने आते हैं। मैं उन्हें सपने कहूँ या क्या मुझे नहीं पता। वो होता है ना, जब आप आंखें बंद करते हो और उसके बाद आपको कुछ दिखाई देता है, उस टाइम पर आप नींद में भी नहीं होते हो लेकिन फिर भी आपको कुछ दिखाई दे। मेरी बुआ ने बताया कि उनको आंखें बंद करने के बाद एक ब्लैक डॉट दिखता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर किसी भयानक चेहरे में बदल जाता है और फिर गोल गोल घूमता है और फिर ना जाने कितने ही भयानक चेहरों को बदलता रहता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है, फिर गोल गोल घूमकर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है और ऐसा ही सब लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं अपनी आँखें भी नहीं बंद कर पाती और मुझे नींद भी नहीं आती। दादी बोली, तो जब तुम मेरे साथ सोती हो तब भी तुम्हें ऐसा ही डर लगता है क्या? उसके बाद जो बुआ ने बताया उसको सुनकर तो मेरे पूरे घर वाले ही डर से कांपने लगे। बुआ बोली, जब मैं आपके साथ सोने आई तो आंखें बंद कर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं खुश हो, मुझे लगा कि अब मैं सो पाऊँगी, पर कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैंने सोचा माँ आप होंगी, पर ऐसा दो या तीन बार होने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बिस्तर पर मैंने मुझे ही देखा, जैसे कि मैं ही मेरा हाथ पकड़कर लेटी हुई हूँ। और कुछ ही देर में उस दूसरी मेरे जैसी दिखने वाली लड़की का चेहरा अजीब सा होने लगा, जैसे मेरे आंखें बंद करने पर मुझे दिखता था वैसे ही डरावने से चेहरे में बदल गया। और अब वो जो कुछ भी था वो कमरे की छत पर एक पड़ी हुई दरार के अंदर जाकर घुस गया। उसके बाद मैं डर के मारे माँ से लिपटी रही पर मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद मैं जब भी आपके कमरे में सोने आती तो वो चीज़ मुझे छत से लटक कर देखती रहती थी। पर दादी बोली, मुझे तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ही मुझे कुछ ऐसा अपने कमरे में दिखाई दिया। तो बुआ ने कहा, इसीलिए तो मैं अपने कमरे में फिर से जाकर सोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को आपको भी ऐसा कुछ देखना पड़े। इसके बाद दादा और दादी जी बुआ को कई डॉक्टरों के पास ले गए लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिला और ना ही कुछ बदल रहा था। बुआ की क्या हेल्थ गिरती चली जा रही थी, उनके शरीर में कोई सुधार हो ही नहीं रहा था और ना ही वो सो पा रही थी। डॉक्टर उनको नींद की गोलियां देते लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब बुआ को डॉक्टरों के पास दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी दादी ने एक पंडित जी को मेरी बुआ को दिखाया। पंडित जी ने जब मेरी बुआ की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे शायद कोई जिन लग गया है, मैं तुम्हें एक पीर बाबा के बताता हूँ, उनके पास जाओ। मेरी दादी ने अगले ही दिन बुआ को साथ लिया और पीर बाबा के पास चली गई। पीर बाबा के पूछने पर बुआ ने सब कुछ बताया। अब पीर बाबा पूछने लगे, तुमने उस दिन से पहले क्या क्या किया था? मेरी बुआ ने सब कुछ बताया लेकिन पीर बाबा बोले, इसमें वो बात नहीं है जिससे कि जिन तुम्हारे पीछे आ जाए, तुम ठीक से सोच कर बताओ। तब मेरी बुआ ने बहुत सोचने के बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने एक इमली के पेड़ से इमलियाँ तोड़ी थी और कुएं में भी पत्थर मारा, चिल्लाई और इमली डालकर आ गई थी। तब पीर बाबा बोले कि उस कुएं में वो जिन या एंटिटी रहता था और दिन में 2 से 2:30 बजे के बीच वो वहाँ सो रहा होगा और तुमने पत्थर मारकर उसकी नींद ख़राब करी और अपना नाम चिल्ला चिल्ला कर ही तुमने खुद उसे अपने बारे में बताया और लास्ट में जो इमली तुमने उसमें फेंकी उसे उसने खाने की तरह लिया और इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तुमने उसे सोने नहीं दिया था इसलिए वो भी तुम्हें नहीं सोने दे रहा और उसे तुमसे वैसे ही खाना चाहिए जैसे तुमने उसे कुएं में फेंक कर दिया, पर तुम उसे वो नहीं दे रही। इसकी वजह से वो तुम्हारे ही एनर्जी को तुम्हें डरा डरा कर तुमसे खींच कर खा रहा है, जिसकी वजह से तुम इतनी बीमार और कमज़ोर हो गई हो। पीर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ताबीज़ और कुछ चीज़ें देता हूँ, तुम इन्हें अपने कमरे में रखो
और देखो कि कुछ होता है या नहीं। बुआ ने और दादी ने ऐसा ही किया और बुआ बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से सो पाई। फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से पीर बाबा के पास गई और बोला कि हाँ, अब मैं ठीक से सो पा रही हूँ और मैं कुछ खा भी पा रही हूँ। पर पीर बाबा बोले कि बेटा, मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए नहीं हटा सकता। ये तभी जाएगी, या ये तो तुम्हें अपने साथ ले जाए या तुम इसे हमेशा अपने पास रखो। अब बुआ परेशान रहने लगी और वो एंटिटी बुआ को शायद और भी तरीक़ों से तंग करने लगी, जिसकी बाद बुआ ने पीर बाबा का दिया हुआ तावीज़ और उनके बताई हुई चीज़ें करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद मेरी बुआ इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी थी। इसीलिए मुझे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि घर पर उनकी तस्वीरें तो हमने देखी थी लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता था। तो आज दादी ने जो मुझे बताया वो सुनकर मुझे बहुत ही डर लग गया, इसलिए मैंने सोचा आज के बाद मैं कभी भी उस इमली के पेड़ की तरफ देखूंगी भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली कोई भी नई कहानी के बारे में सबसे पहले आपको पता चले और आप नई नई कहानियों का मज़ा ले सकें। थैंक यू।